Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pakistan and Assalamualaikum the whole world. And of course, very warm welcome back to all of you. Dosto, Junaid Hasan Mushtaba aapke saath. Aaj Sunday, yani itwar ke din bhi aapke saath. Isko fun day banane ke liye, inshallah, aap sabke chehron pe muskurahat lane ke liye, kyunki aaj ke din ke hawale se hamari aapse guftagu hone wali hai. एक और दिन है, एक और एहसास है, एक और जज्बा है, एक और उम्मीद है, एक और आज छुट्टी के दिन मुस्कुराते हुए, जिन जिन की छुट्टी है बाय द वे. और हम तो कभी कभी जो है इतवार को ना चाहते हुए भी छुट्टी कर लेते हैं, तो फिर आप याद करवा देते हैं भाई कि आज भी शेयर होने चाहिए और उसको डेफिनेटली होने चाहिए. तो इसलिए हाजिर खिदमत हुआ चाहता हूँ. आज के दिन को अगर देखते हैं तो इंशाल्लाह वही अंदाज़ है हम तफसील से जिक्र करने वाले हैं. आपके सितारे के हवाले से हम मुख्तलिफ शोबा ज़िस्त को सबसे पहले जिक्र करेंगे. इसमें आपकी सेहत, दौलत, इज़्ज़त, मोहब्बत, कारोबार, मुलाजिमत, अज़्दवाजी ताल्लुक़ और इंशाल्लाह आपके शोहरत को भी हम जिक्र करेंगे जो हमारे आर्टिस्ट हजरात हैं. लेकिन मुल्क के कलर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे. ये भी बताएंगे कि इन तमाम शोबा ज़िस्त में कितने फ़ीसद आप अच्छा परफॉर्म करते नज़र आते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाईएस्ट रेटिंग और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू. आप सबका बहुत 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 शुक्रिया. कोई भी चीज़ जो है ना वो इतनी मैटर नहीं करती जितनी कि वो जो आपका साथ देना करता है, आपका एहसास करना. एक हमारा जो बड़ा खूबसूरत सा एक रिश्ता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. और इसके ज़रिए आप YouTube पे सुनते हुए सब्सक्राइब करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो करते हैं, आप वहाँ से जो है वो रेटिंग दिलवाते हैं. थैंक यू सो मच जी. बस खुशी होती है इससे और क्या होना है. और YouTube पे सुनते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करते हैं, कम्युनिटी टैब पे अपनी राय का इजहार करते हैं, वहाँ पे हमारी कोटेशन का सिलसिला रहता है. थैंक यू सो मच वहाँ पे भी. और इसके अलावा कोई मुख्तसर जो है वो हमारी गैर रस्मी से गुफ्तगु भी जारी और सारी रहती है कमेंट सेक्शन में. बाय द वे हफ्तावार जो है वो उस पर अब हमने थोड़ा सा कह लें कि बड़ा ज़बरदस्त शुरू कर दिया है काम. आपको टॉप ऑफ द लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हफ्तावार का लिंक, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका 2 से 8 दिसंबर का हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा. और इसी तरह से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ता जो है वो भी आपको जुमेरात तक पहुँचा देंगे, यानी एक दिन पहले ही आपको अगले हफ्ते की भी रीडिंग मिल जाएगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. बाकी जाते जाते साल के जाते जाते कह रहा हूँ बाय द वे, और ये जो तमाम सितारे हैं इनकी रीडिंग क्या कहती है, ये जाता जाता दिसंबर आपके क्या आपसे क्या चाहता है, ये तमाम बातें हमने शेयर कर रखी हैं. आपको आपके ज़ोडियक साइन के सामने जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे एक्सेस कीजिए. जो भी खुदा न खास्ता मसाइल हैं आप उनका हल वहाँ से और अदा वज़ाइफ़ और सदक़ात के ज़रिए तलाश कर सकते हैं. सो आज फंडे आपने कैसे बनाना है संडे को, ये हम आपके साथ शेयर करने के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं पहले सितारे से. पहला सितारा ऑफ कोर्स बुर्ज हमल है, इसको हम एरीज भी कहते हैं, हमली ख़वातीन हज़रात भी कहते हैं. आज के हवाले से अगर देखते हैं ना तो सेहत के हवाले से बहुत सी परेशानी है, वो किसी भी वजह से किसी जिस्मानी दर्द का शिकार हो सकते हैं, खदशा है, ठीक है. और डेफिनेटली अगर आप एहतियात करेंगे तो आप इससे बच भी सकते हैं. किसी भी थकन से ग्रेज करना है या फिर ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है जिस्म को किसी भी काम में दबाव डालने या फिर किसी भी कह लें कि बहुत ज़्यादा सर्व करने से ग्रेज कीजिएगा, क्योंकि आज उतना वो जिस्म जो है वो नहीं सह पाएगा ना. इसके अलावा जहाँ तक बात करते हैं माली लिहाज से तो कुछ बेहतर है इंशाल्लाह. फैमिली लाइफ के हवाले से कुछ मुश्किल वक्त है और कुछ अच्छा भी है. अच्छा इस लिहाज से है कि जिन्होंने मुश्किल में साथ दिया था ना उनके साथ आज आप अच्छा फील करते नज़र आते हैं, अच्छा वक्त गुजारते नज़र आते हैं, होना भी चाहिए. लेकिन नंबर 3 येलो लकी कलर. हमारा अगला सितारा बुर्ज सौर है. आप लोगों के हवाले से अगर हम आज के दिन को देखते हैं तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना वो होना चाहिए आपकी सेविंग्स पे या आपके बजट पे, जो कि आजकल जो है वो आपका है भी. और सेहत तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी आज और कामयाबियों से भरा दिन आप कह सकते हैं. तवानाई आपकी जो है वो अच्छी रहेगी, लेकिन आपने देखना है कि ये कहीं ना कहीं सर्फ ना हो जाए और आप डीमोटिवेट ना हो, आपकी एनर्जी जो है वो लूज़ ना हो किसी छोटी छोटी बात की वजह से या एवे ही ना हो जाए, ठीक है, ज़ाया ना होना हो जाए एनर्जी. ख़ानदान के मेम्बरान जो हैं, दोस्त अहबाब जो हैं, उनके साथ तो वक्त अच्छा गुजरता नज़र आता है. लव लाइफ के हवाले से अच्छा है, करियर के हवाले से अच्छा है, अज़दवाजी लिहाज से आज बहुत अच्छा है कह सकते हैं जी. और लकी नंबर 2 है सिल्वर एंड वाइट लकी कलर. सेहत
अच्छी है। हमारा अगला सितारा जो है वो बुर्ज जोजा है। आप लोगों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो फोकस आपका आज होना चाहिए सेहत के हवाले से और बजट या सेविंग्स के हवाले से, दौलत को सर्व करने के हवाले से यकसां तौर पे, लेकिन डेफिनेटली प्रायोरिटी सेहत है। सो कुछ तफरी आज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा यार, थोड़ा सा वक्त निकाल लें। अगर नहीं भी आज आपका ऑफ है और आज वर्किंग डे है आपका, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का बड़ा फजल होता है। हमारा भी जी एक किस्म का वर्किंग डे होता है और कभी अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत नहीं की भाई, शिकायत करके करनी भी क्या है, अल्लाह ताला का फजल है, वो रिज़्क़ का ज़रिया बनाता है या फिर वसाइल देता है, तो फिर बस इंजॉय करें, बस अपना ख्याल भी रखा करें। सो सेविंग के हवाले से जो कहा है कि मज़ीद कुछ मत ख़रीदें जो कि असराफ का बायस हो, फजूल खर्चे का बायस हो, बाकी मोहब्बत ही मोहब्बत तमाम मामलात में, लेकिन नंबर 9 रेड एंड मैरून लकी कलर। हमारा अगला सितारा जो है वो है जी बुर्ज सरतान, जिसको हम कैंसरियंस कहते हैं। आप लोगों का आज जो है वो स्टैमिना फिज़िकल तो बड़ा ज़बरदस्त है। इन शॉर्ट आपका फोकस आज आपने कैरियर पे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आज अपनी फिज़िक को आप वक्त देते नज़र आते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। फैमिली के हवाले से कोई प्लान करके अच्छा सा वक्त गुजारते नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत बात है। लव लाइफ के हवाले से अच्छा है और करियर के हवाले से भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है वो आपको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। कुछ सीखेंगे भी, कुछ सीखना भी चाहिए। अज़दवाजी लिहाज से भी कह लें कि आज थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन नंबर 4 ब्राउन एंड ग्रे लकी कलर। हमारा अगला सितारा जो है वो बुर्ज असद है। आप लोगों के हवाले से अगर हम आज के दिन को देखते हैं, सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए अपनी फैमिली पे। किस तरह से बताता हूँ, सबसे पहले तो सेहत है और मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा जो है ना आज आपको बड़ा नवाजने वाला है इंशाल्लाह, और अजनबी भी आपको यानी पराये भी आपको अपने लगने लगेंगे इंशाल्लाह। आज जिस तरह फैमिली के हवाले से कहा है, हो सकता है कि आज ख़ानदान में से कोई आपकी तवज्जो हासिल करे, वो आपके लिए बड़ा अच्छा भी साबित हो सकता है, या बेहतर जानते हैं वो रोमानवी लिहाज से तो आज अच्छा खासा दिन गुजरने वाला है। और करियर के हवाले से ये कहूँगा कि कोई सफ़र इस हवाले से करना पड़ता है तो लीगलिटी ज़रूर पूरी कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होगा। अज़दवाजी लिहाज से लकी इंशाल्लाह। लकी नंबर 2 सिल्वर एंड वाइट लकी कलर, सिर्फ 60% है। ख़ानदानी मामला बाकी सब ओके की रिपोर्ट। सुंबला की बात कर लेते हैं, हमारा अगला सितारा है। बाय द वे आप लोगों के हवाले से आपको हम बिरगो भी कहते हैं। सेहत का ख्याल इस तरह से करें कि ज़्यादा खाने से गुरेज करें, और यही आपका जो है वो मेरे ख्याल से प्रायर फोकस नहीं होना चाहिए, यानी खाना ही नहीं होना चाहिए, और भी बहुत से ज़िंदगी में काम है जी, और भी काम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। हाँ, मुतनाज़ मसाइल ऐसे कि जिनकी वजह से अपनों से बहस होती है, इन सभी को रेज़ कीजिएगा ताकि अपने जो प्यारे हैं उनसे बहसें ना हों, वरना हम बहसों में जीतने की तरफ चले जाते हैं और रिश्तों को हार देते हैं। लव लाइफ के हवाले से भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि इसमें भी खिंचाव नज़र आ रहा है। कैरियर के हवाले से तो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन अज़दवाजी लिहाज से भी अच्छा नहीं है अगर आप मतलब ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे और एहसास नहीं करेंगे अहमियत का। लेकिन नंबर 9 रेड एंड मैरून लकी कलर है। सेहत का, दौलत का, ख़ानदानी मामलात का, मोहब्बत का और अज़दवाजी ताल्लुक़ का ख़ास ख्याल रखें। हमारा अगला सितारा बुर्ज अक्रब है, लेकिन उससे पहले बुर्ज मीज़ान मुझे डिस्कस करना है। डेफिनेटली इसको हम लिब्रा भी कहते हैं। आप लोगों को देखें तो सेहत तो अच्छी है माशाल्लाह से, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी वक्त होगा, संडे है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो माजी में कर रखी है उसके हवाले से अच्छे फ़वाद मिलते नज़र आते हैं। फैमिली मेंबर्स को तकलीफ़ पहुंचाने से, ये उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने से परहेज़ करना चाहिए आपको। इसके लिए अपने गुस्से पर काबू पाइएगा। ओवरऑल बाकी तो इंशाल्लाह करियर के हवाले से अच्छा दिन है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते नज़र आते हैं। अज़दवाजी लिहाज से भी आज जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिन आप गुजारेंगे। लेकिन नंबर 3 है, येलो लकी कलर है। फोकस आपका अपने करियर पे होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपकी
फैमिली। हमारा अगला सितारा बुर्ज अक्रब है। आप लोगों की अगर हम बात करें और डेफिनेटली बात किए बगैर हम कर्म में क्या सकते हैं, आप लोगों को स्कॉर्पियो भी कहते हैं। सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, इसके लिए अपने वज़न पे नज़र रखनी चाहिए, आपको ज़्यादा खाने से बचना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी मैं मिसाल तो देना चाहता था लेकिन चलें, खैर बैरूनी मुल्क हो सकता है किसी की जान किसी दोस्त अहबाब की तरफ से कोई अच्छी खबर, मतलब उनकी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा हो जो आपके लिए मुस्कुराहट का सबब हो। लव लाइफ के हवाले से लकी, अज़दवाजी लिहाज से हकीकी मोहब्बत का एहसास होगा इस रिश्ते में। लकी नंबर 5 ग्रीन, लकी कलर ग्रीन ही है ना, ओके। 60% से 60% दौलत है, यही आप दोनों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। थर्ड पे आपकी फैमिली होनी चाहिए, बाकी 100% ओके। बुर्ज कोर्स की बात कर लेते हैं जो कि हमारा अगला सितारा है। आप लोगों को हम सेजिटेरियस भी कहते हैं, आप अफराद को हम सेजिटेरियन भी कहते हैं और वेजिटेरियन भी कहते हैं। सेहत बहुत अच्छी है माशाल्लाह, इसको बरकरार रखने के हवाले से सोचना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जो दौलत के मामलात हैं, दौलत को सर्व करने के मामलात हैं, सेविंग्स बजट्स इस हवाले से या फिर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, बहुत जल्दी दौलत को खो देते नज़र आते हैं आप, तो इतनी जल्दी मत कीजिएगा। फैमिली वगैरह के मामलात को देखते हैं तो पड़ोसी के साथ झगड़ा नज़र आ रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब घर के लेवल पे ना, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर बात करते हैं अज़दवाजी लिहाज से, ये जो काफ़ी इमोशनल सीन आज होता नज़र आता है, और लव लाइफ के हवाले से भी। लकी नंबर 2 है सिल्वर एंड वाइट लकी कलर्स। हमारा अगला सितारा बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, ऑफ कोर्स। सेहत अच्छी अगर करना चाहते हैं अपनी तो यार अच्छा सोचें, जहन पे ज़्यादा जोर ना दें, जहनी तनाव और दबाव वगैरह से बचें, यही अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी। हो सकता है किसी भरोसेमंद की तरफ से आज थोड़ी सी आपको ईज़ा पहुँचे या ठेस पहुँचे या दर्द पहुँचे। मेंटली रेडी रहिएगा, अपने नहीं डसेंगे तो और कौन डसेगा। जहाँ तक बात करते हैं लव लाइफ के हवाले से, तो अच्छा सिलसिला है आज। अज़दवाजी लिहाज से भी अच्छा है। लकी नंबर 2 है सिल्वर एंड वाइट लकी कलर है। और सेहत, ख़ानदानी मामलात और करियर आपका फोकस होना चाहिए। बुर्ज दल्व की बात करते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट ज़ोडियक साइन होता है। आप लोगों का सारा ज़ोहल होता है। आज आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत होनी चाहिए। सेहत भी किस हवाले से, एक तो अपनी खुराक को कंट्रोल करें थोड़ा सा, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें वेरी इम्पोर्टेंट। बाकी जब बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह रहेगा, मेहमान घर आते नज़र आते हैं या आप किसी तकरीब में जाते नज़र आते हैं, लव लाइफ के हवाले से लकी रहेंगे। करियर में मसाइल जो हैं उनको आज बड़ा पॉजिटिवली आप जो है वो हैंडल कर पाएंगे। शादीशुदा ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन नंबर 8 है ब्लैक एंड ब्लू की कलर्स हैं, बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, आप लोगों के हवाले से हाँ सेहत ही आपका मेन फोकस होना चाहिए, बाकी तो सब ओके की रिपोर्ट है। हूत की आखिरी हम गुफ्तगू कर लेते हैं, जो कि आखिरी सितारा बुर्ज हूत यानी कि पाइसेस। आपको हम पाइसेंस और हूती खवातीन हज़रात भी कहते हैं। सेहत तो बहुत अच्छी है, तवानाई बड़ी ज़बरदस्त होगी आपकी, और ओवरऑल दिन जो है उसको आप अगर प्लान करके गुजारते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। जो भरोसेमंद लोग हैं उनसे बात करें, आपको अच्छा लगेगा, उनकी मदद मिलेगी, आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी रहेगी। जो आपसे मोहब्बत करते हैं वह आपकी मुस्कुराहट के मुतमन्नी होंगी, समझ लें। अज़दवाजी लिहाज से अपनी शरीक हयात के साथ आज अच्छी सी शाम को प्लान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नंबर 6 पिंक लकी कलर, सब ओके की रिपोर्ट है। सेहत, फैमिली और ऑक्यूपेशन 80%, बाकी इंशाल्लाह मामलात अच्छे हैं। इन्जॉय कीजिएगा आज के दिन को, यूट्यूब पे सुनते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह नबी वारिस।